मध्य प्रदेश में आम जनता के साथ अधिकारियों की बदसलूकी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 22 जनवरी को मध्य प्रदेश से एक एसडीएम की गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया। इस वीडियो में एसडीएम बीच सड़क में युवक की डंडे से पिटाई करते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि एसडीएम की गाड़ी को ओवरटेक करना एसडीएम अमित सिंह को इतना नागवारा गुजरा कि उन्होंने बीच सड़क पर ओवरटेक करने वाले गाड़ी में सवार युवकों की बुरी तरह से पिटाई करवाई, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। वहीं इस पूरे मामले को जानने के बाद सीएम मोहन यादव ने फौरन कार्रवाई करते हुए निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। ये पूरा मामला क्या था ये आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मध्य प्रदेश के उमरिया से है। बांधवगढ़ एसडीएम अमित सिंह की गुंडागर्दी का ये वीडियो सोमवार 22 जनवरी 2024 की शाम का बताया जा रहा है। वहीं ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एसडीएम के द्वारा मारपीट के इस वीडियो के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और एसडीएम को निलंबित करने के निर्देश दिए। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट भी साझा किया। उन्होंने बांधवगढ़ एसडीएम द्वारा दो युवकों से मारपीट की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और एसडीएम को निलंबित करने के निर्देश दिए। सीएम ने साथ ही लिखा कि मध्य प्रदेश में सुशासन की सरकार है, प्रदेश में आमजन से इस तरह का अमानवीय व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर एसपी निवेदिता नायडू ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसडीएम अमित सिंह के अलावा तहसीलदार विनोद कुमार, एसडीएम के वाहन चालक नरेंद्र दास पनिका और तहसीलदार के सहयोगी संदीप सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है घटना के समय सभी लोगों ने मिलकर युवक के साथ जमकर मारपीट की थी, जिससे युवक को गंभीर चोट लग गई। मारपीट करते हुए वायरल वीडियो में सभी नजर आ रहे थे। इसके साथ ही युवक को धमकी भी दी गई थी कि अगर उन्होंने पुलिस के सामने अपना मुंह खोला तो इन पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा देंगे।